आज मैं आपको क्वेश्चन फोर जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन फोर है मैंने क्लास टेंथ की मैथ्स की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 को आ चुका है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 4 cos θ = 11 sin θ फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 cos θ - 7 sin θ upon 11 cos θ + 7 sin θ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 4 cos θ है वो किसके बराबर है, 11 sin θ के बराबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जो 4 cos θ है वो 11 sin θ के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन ये दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है कि जो 4 cos θ जो है वो किसके बराबर है, 11 sin θ के बराबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 4 और cos θ के बीच में किसका साइन है, इंटू का साइन है, और 11 और साइन थीटा के बीच में क्या है, इंटू का साइन है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, कॉस थीटा इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा 11 sin θ, ठीक है। ये 4 इसके साथ इंटू में है, तो हमको केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस 4 को हम इधर साइड लेकर जाएंगे, इंटू में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली, 11 upon 4 sin θ, ठीक है ना। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कॉस थीटा लिखा हुआ जहां जा उस कॉस थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, कॉस थीटा किसके बराबर है, 11 upon 4 sin θ के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 11 cos θ - 7 sin θ upon 11 cos θ + sin θ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 11 और cos थीटा के बीच में इंटू का साइन है, आप जानते हैं इसमें भी इंटू का साइन है, और 11 cos थीटा यहाँ इन सब इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos थीटा की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 और इंटू यहाँ पर क्या दिया हुआ, cos θ किसके बराबर है, 11 upon 4 sin θ के बराबर। तो इस cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 11 upon 4 sin θ, ठीक है ना। इस cos की जगह, इस cos की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, फिर क्या, -7 sin θ, ठीक है। अपॉन उसी तरह से यहाँ पर देखिए 11 इंटू यहाँ पर भी cos थीटा दिया, cos थीटा की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या है, 11 upon 4 sin θ + 7 sin θ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इन सब के बीच में इंटू का साइन है, ठीक है ना, इन सब के बीच में इंटू का साइन है। तो ये देखिए ये माइनस है, माइनस के इधर और इधर, ये दो टर्म है माइनस के किधर इधर, तो इन दोनों टर्म में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो हम साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में से साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी कॉमन निकाल दिए, तो अंदर क्या बचेगा, 11 into 11 upon 4, और ये तो बाहर आ गया, फिर क्या है, माइनस साइन थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, 7, ठीक है। अपॉन उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए प्लस के इधर और इधर साइड, ये दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, तो हम साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन थीटा फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है, 11 into 11 upon 4, ये क्या प्लस, ये साइन थीटा तो बाहर चला गया, तो क्या बच रहा है, 7, ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए साइन थीटा और इस ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, ठीक है ना, इन सब के बीच में इंटू का साइन, तो यहाँ पर देखिए ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, तो अब केवल ये बच रहा है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 11 into 11 upon 4, ठीक है। तो 11 into 11 कितना हो जाएगा, 121, 11 और 11 को इंटू कीजिए, 11 11 जो क्या होगा, ये देखिए 121 आया, तो 11 into 11 121 हो गया, फिर अपॉन 4 है, अपॉन 4 माइनस 7 है, ठीक है, फिर क्या है, अब ये डिवाइड यहाँ पर इसको भी इंटू कीजिए, 11 11 जो कितना हो जाएगा, 121 अपॉन नीचे क्या है 4, फिर प्लस 7, ये हो गया, हम इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, 7 upon 1, ताकि एलसीएम इजी रहे लेना, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये डिवाइड है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर में 4 आएगा, फिर 1 को इससे इंटू करेंगे, तो 121 माइनस 4 7 20 8, ये हो गया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ये है। अब उस तरह से नीचे डिवाइड कीजिए इसको, अब नीचे वाले का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 4, तो 121 + 121 प्लस 7 4 20 8, ये हुआ हमारे पास इक्वल टू, अब देखिए 121 में से 28 माइनस कीजिए आप, तो क्या होगा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, और यहाँ बचा 1, तो यहाँ बचा 93, तो ये हो जाएगा 93, इसमें से 121 में से 28 माइनस करेंगे तो 93
अपॉन फोर, फिर क्या डिवाइड, अब ये दोनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121 और ये 28, तो 1 और 8 9 हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 1 ये हो जाएगा 149, ठीक है, अपॉन ठीक है 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 अपॉन 4, ये डिवाइड को जब इंटू करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4 अपॉन 149 यही हो जाएगा, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल तो क्या आया हमारे पास 93 अपॉन 149, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, यही इसकी वैल्यू है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया सॉल्व करने पर, वो आया हमारे पास 93 अपॉन 149, तो यही इसका आंसर है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।